T20 में सीरीज जीत मिल गई है और अब बारी है ODI की। ODI में टिक मार्क लगेगा ना सर, 3 मैच की ODI सीरीज। टिक मार्क किस चीज का? जीत का लगना तो चाहिए। आपकी ODI टीम तो अच्छी है जब पूरी टीम खेलती है। वापस आ गए हैं कई खिलाड़ी। हाँ, तो टीम तो भारत की उनके मुकाबले बहुत अच्छी है। T20 में ठीक है, श्रीलंका बन रहा है, अच्छा टीम बन रहा है, क्यों निखिल जी, बट ODI थोड़ा डिफरेंट ही तरह का इम्तिहान लेके आता है। अगर आप श्रीलंका टीम का, मैं देख रहा था बिटवीन T20 और वनडे, T20 टीम उनकी स्ट्रांग है, वनडे इतनी नहीं है। हालांकि अच्छे कुछ रिकॉर्ड्स वो लेके आए हैं, बट उन्होंने अफगानिस्तान और इन टीमों के खिलाफ खेला है। प्रॉब्लम यह है कि वनडे में वो थोड़े फीके नजर आते हैं। एंड उसकी बिगेस्ट रीजन है वो है क्यों T20 अच्छा करते हैं, आप उनके वो दो स्पिनर्स को हमेशा रखते थे अपनी टीम में, हसरंगा एंड थिक्षणा, इनका जो इम्पैक्ट है ODI में वो कम हो जाता है। जैसे ही वो कम होता है इनका वो परफॉर्मेंस आ गया। और फिर बैटिंग भी यार ODI में, हालांकि ऐसा नहीं है उनकी ODI में ना, T20 में 50-60 क्विक ठीक है, ODI में आपको 100 चाहिए होता है, 125 चाहिए होता है, तो वो इंडिया के पास है। और भाई इंडिया की टीम पूरी की पूरी टीम मैंने सुना उतर रही है कल। पूरी टीम तो नहीं उतर रही, पूरी टीम ही उतर रही है। बुमराह कैसे पूरी टीम उतर रही है? नहीं तो बुमराह का आपको क्या है गारंटी कि जब जब आपको जरूरत होगी वो फिट ही होंगे? नहीं, उसके अलावा बताइए। उसके अलावा मैं टीम, मतलब मैं स्क्वाड नहीं, मैं 11 की बात कर रहा हूं। कहां आपकी पूरी टीम? सूर्य कुमार यादव तो कल बाहर बैठे, लेकिन आप समझे नहीं, आपके पास फर्स्ट चॉइस अवेलेबल है ना, आप उसको जैसे मर्जी खिला रहे हैं वो अलग बात है, बट आप अपनी अपनी मतलब कप्तान और जो कोच है तो पूरी ताकत के साथ टीम को चुन रहे हैं ना, उनको जो लगता है स्क्वाड के लिहाज से। हाँ। पर खेलेगी नहीं आपकी? नहीं मतलब आपकी बाहर कौन है इस वक्त? एक जसप्रीत बुमराह बाहर है जो पहले फिट हो गए, फिर पता चला जी बिना खेले अनफिट हो गए, फिर कहा जी इसमें भी अनफिट है, न्यूजीलैंड में भी अनफिट है, और फिर वो देखेंगे। सो बट द पॉइंट इज कि वनडे में तो इंडिया अच्छा है ही है और वर्ल्ड कप ईयर है, तो आई होप ये साल आपके लिए वनडे का अच्छा साल हो। पिछले 3 साल में इंडिया ने 12 वनडे खेले हैं, 12 वनडे 3 साल में। पहले तो कुछ ऐसा हुआ करता था कि शायद एक साल में श्रीलंका के साथ ही खेल लेते थे 12 लगभग, मतलब वनडे ही खेल जाते थे। तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, क्योंकि T20 वाला वर्ल्ड कप ईयर था। अब आप वनडे खेलना शुरू कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप भी है ना। और अब अब उन्होंने बोला भी रोहित शर्मा ने कि भाई 9 ODI अभी हैं लगातार हमें खेलने हैं, जो श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, इसमें इसमें ज्यादातर हम सिमिलर टीम उतारेंगे, चेंज नहीं करेंगे। वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हूं अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। खैर वो तो ठीक है, लेकिन टीम हमें चुननी है एक्सचेंज 22 पे जी। और एक्सचेंज 22 पे क्या होता है, आप प्लेयर्स बाय करते हैं जो अच्छा करने वाले हैं, और आप प्लेयर सेल करते हैं जो अच्छा आपको लगता है नहीं करने वाले, लेकिन आपके लिए अच्छा हो जाए। हाँ, वो आप चाहते हो वो फेल हो जाए ताकि आप पैसे बना लें, बाय एंड सेल। सो निखिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों टीमों में ऐसे इंपैक्ट प्लेयर्स कौन से हैं जिनको बाय वनडे में करना इज अ मस्ट? मैं जाऊंगा अब पहले तो श्रीलंका के, श्रीलंका की और इंडिया दोनों के, दोनों की बता दीजिए कुछ कुछ प्लेयर्स अगर। अच्छा, श्रीलंका से स्टार्ट कर लेता हूं। मैं जाऊंगा दसुन शानका के साथ। मतलब ठीक है वो T20 में अच्छा कर रहे थे, बट जो उन्होंने दिखाया है फॉर्म, आई विल स्टे विथ हिम, दसुन शानका। हाँ, और बोलिंग में मैं मधुशंका को, अगर वो खिलाते हैं वो स्क्वाड में है, बॉल हिलता है और गुवाहाटी में, गुवाहाटी में हिलता भी है बॉल एग्जैक्टली, और अगर वो अंडर लाइट्स डाल रहे हैं मधुशंका के साथ जाऊंगा। एंड चमीरा आ जाएंगे, वो T20 नहीं खेल रहे थे, बट चमीरा उनके तेज हैं वो, और हाँ दुश्मन चमीरा और जेन्युइनली क्विक है, कई बार देखा हमने एक्स्ट्रा पेस आपको परेशान करती है, तो मैं इनके साथ जाऊंगा। जहां तक आपका श्रीलंकाई टीम का सवाल है, फॉर इंडियन टीम मैं जाऊंगा अक्षर पटेल, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से अंक देंगे, बैटिंग के साथ भी और बॉलिंग बॉलिंग के साथ भी। और एक मैं पंट लूंगा, मोहम्मद सिराज नहीं, मैं जाऊंगा विराट कोहली के साथ। मैं भी विराट को रखूंगा और मैं रोहित को भी रखूंगा, श्रेयस अय्यर को भी रखूंगा, और मैं रखूंगा मोहम्मद सिराज को, क्योंकि बॉल अगर हिलने वाली बात है फिर तो वो भी है। मोहम्मद सिराज चढ़ के बॉल डालते हैं बॉस, दमदार। आई लाइक द वे अब वो, जैसे आपके तीनों फॉर्मेट में मेरे हिसाब से वो आपके लीडिंग फास्ट बॉलर होने चाहिए।
इवन इन टेस्ट मैच, इवन इन टेस्ट, मैं वही थोड़ा सरप्राइज था कि टेस्ट मैचेस में नहीं, मतलब इन दिस लीडिंग का मतलब है टॉप तीन, मतलब तीन जो खेले हैं भाई, आइडियली अगर आपके सारे फिट हो तो टेस्ट मैच में बुमराह, शमी और सिराज। उमरान मलिक खेलेंगे 11 में? उमरान कैसे खेलेंगे अगर शमी खेल रहे हैं और सिराज भी खेल रहे हैं और अर्शदीप भी खेल रहे हैं? नहीं, अब उसमें आपकी कॉल है कि अर्शदीप को खिलाना चाहते हो या उमरान को खिलाना चाहते हो? नहीं, लेफ्ट आर्मर तो आप एक ले लो मेरे ख्याल से वैरायटी के लिए, यूजी चहल, कुलदीप यादव, दोनों ऑप्शन उनमें से एक, और वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से एक। एक अक्षर पटेल, अक्षर पटेल ने यार ही इज डन इनफ, अच्छा करते हुए आए। हालांकि सुंदर, सुंदर की एक बात है, उनकी जो बैटिंग है 50 ओवर के लिहाज से वो जा सकते हैं, बट अगेन डिफिकल्ट चॉइस है। अक्षर पटेल इन फॉर्म प्लेयर है यार, वो करके आ रहे हैं, आप उनको कैसे बाहर बिठा दोगे? आप दोनों को क्यों नहीं खिला सकते, वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर? एक रिस्ट स्पिनर तो आपको चाहिए होगा ना, मेरा ये क्योंकि आपकी, मैं आपकी बैटिंग 6 पे खत्म है और 7 पे ऑलराउंडर है अक्षर पटेल, तो 8 पे आपकी बैटिंग ही नहीं है, टेल शुरू है आपकी। यार निखिल, बट इस चीज के लिए तो आपकी इंडियन क्रिकेट प्रिपेयर्ड है ना, आप मुझे बताइए कि क्या वर्ल्ड कप के मैच में भी आप अक्षर पटेल और सुंदर दोनों के साथ जा सकते हैं 11 में? क्योंकि और ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इस वक्त बाहर बैठा हुआ है वो आएगा और वो बैटिंग कर लेगा और वो आपकी ऑटोमेटिकली 11 में भी वनडे वर्ल्ड कप में वॉक इन करता है? मुश्किल है उसमें, अगर दीपक चहर की कोई इंजरीज ना होती, इश्यूज ना होते, बट किसकी जगह वो खेलेंगे? एक फास्ट बॉलर की जगह। बुमराह ने भी वापस आना है बाय द वे, अगर जब भी आना है, अगर आना है तो नहीं, या तो फिर आप वही अपनाओ जो इस वक्त हार्दिक पांड्या कहते हैं कि मेरे को 5 ही बॉलर चाहिए, मेरे बॉलर का काम है बॉलिंग करना, मुझे नहीं चाहिए ऑलराउंडर। आप ये अप्रोच के साथ जा रहे हैं, अगर हार्दिक पांड्या 6 खेल रहे हैं और अक्षर पटेल 7 खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इट शुड बी इनफ। और दूसरी बात है कि अगर कुलदीप खेल रहे हैं 8 नंबर पे, आई थिंक 9, 10, 11 आपका मुकाबला है, जैसे इंग्लैंड है वो खेलते हैं नंबर 9 पे, नहीं देखो वो आदिल रशीद आपके पास है ही नहीं ना, आपके पास वो आपके पास माजी में था, 11 वर्ल्ड कप में हर बैट्समैन बॉल डालता था, यू वर लकी, तो उस वक्त दुनिया देखती होगी यार इंडिया की टीम में क्या है यार, हर बैट्समैन बॉल डाल लेता है। आज उन्होंने बनाया सिस्टम भाई, आपको उसके लिए तैयारी, एक लॉन्ग टर्म तैयारी होगी, साल दो साल आपको ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट में या अंडर 19 से जो लड़के खेल के आए उनको देखना होगा। मैं बार बार एक प्लेयर का नाम लेता हूं, निशान सिंधु, बट अगेन निशान सिंधु लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो बैटिंग कर लेते हैं, वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो क्या टॉप 5 के बैट्समैन बनेंगे या वो जहां अक्षर पटेल स्लैश रविंद्र जडेजा स्लैश निशान सिंधु आपके पास, लेकिन नीचे शिवम मावी ने उस दिन जैसे 25 रन बनाए, आई थिंक दैट वाज वेरी प्रॉमिसिंग। शिवम मावी ने दिखाया यार मैं कर लूंगा बैटिंग। अब जैसे शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर, मुझे लगता है शायद आप उनके परे चले गए हैं, वैसे कुलदीप प्लेयरों को पसंद आए ना आए, बट आई थिंक आप उनके बियॉन्ड चले गए। आपको फिर अगेन अब बॉलिंग में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूंगा ना, फिर मेरे 3 फास्ट बॉलर वो हों जो ठा 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 वाले हों। निशान सिंधु की बात कर रहे हैं सर, ऐसे नंबर पे तो फिर राजेंद्र बाबा भी आते हैं भाई, ठीक है वो फिट तो हो जाए पहले, फिट नहीं है ना उनकी नी में, आई थिंक नी या बैक में उनकी दिक्कत, प्लस आई थिंक वो हम ना पंट ले रहे हैं अभी, पता नहीं वो उस लेवल पे है नहीं है, वो अंडर 19 से ना ऊपर आने में बड़ा टाइम लगता है। और स्पिनर्स वैसे तैयार किए जैसे शाहबाज वगैरह को आप देख रहे हो क्योंकि वो आईपीएल में भी अच्छा कर रहे थे, नहीं लेकिन निखिल वही आदत है अक्षर स्लैश जडेजा स्लैश निशान सिंधु स्लैश शाहबाज, तो वो स्लैश हो जाता है। और आपको यार रिस्ट स्पिनर अगेन दुनिया, फिर हम वो गलतियां ना करें जो हम करते आए हैं, सिलेक्टर 15 चुनते हैं 16 चुनते हैं पर 11 में फिर आप अपने हिसाब से, वो भी गलत है। आपको हसरंगा चाहिए कि भाई रिस्ट स्पिनर भी है बैट्समैन भी तगड़ा है और ठीक है, कुलदीप में एक्चुअली वो पोटेंशियल है बैटिंग को लेकर, वो तो अगर आपको देखो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। हालांकि कुलदीप खेलेंगे या यूजी चहल खेलेंगे, इट विल बी अ डिफिकल्ट चॉइस, इन दोनों में से एक को खेलना होगा। तो आप जब अपनी टीम चुने एक्सचेंज 22 पे, इसको आप exchange22.com से डाउनलोड करना है, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बाय करने वो प्लेयर जो जितने में आप बाय करेंगे उससे ज्यादा करेंगे तो आपका मुनाफा, लेकिन आपने उनको बाय किया उनका अच्छा दिन नहीं गया तो आपका नफा नुकसान। और सिमिलरली जो सेल में आप खरीदते हैं आप चाहेंगे वो अच्छा ना करें, वो जितना और नीचे जाएगा उतना आपका मुनाफा। एक टिप दे देता हूं, आप जब खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो टिप ये है कि ज्यादातर आप बैट्समैन के साथ जाएं। आई थिंक लास्ट ओडीआई हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ यहाँ पे और वो 300 प्लस रन वो इंडिया चेज कर गया था, 300 प्लस भी चेज हुए थे, तो यहाँ पे आपको रन आएंगे। आप ऊपर ऊपर के बैट्समैन को लीजिए, हाँ एग्जैक्टली, मौका मिले
जला मार दिए, दो लोगों तीन लोगों ने खत्म कर दिया। वैसे ही होता है, एक टिप है बैट्समैन के साथ ज्यादा जाए आप तो। बट ड्यू कितना होगा, ये 2 बजे मैच शुरू है, मेरा ये मानना है कि ये विंटर्स है, ये विंटर्स है, मतलब विंटर्स एज इन इंडिया का जो विंटर ही है ना, हालांकि गुवाहाटी में शायद इतनी ठंड ना हो, आई हैव नेवर बीन टू दैट, नहीं होगी होगी ठंड होगी हाँ। और वहां पर ईस्ट में तो वैसे सूरज बहुत जल्दी नीचे चले जाता है, ठीक है, तो हो सकता है 4 बजे वहां पे अंधेरा हो जाए फॉर एग्जांपल। यार ये क्रिमिनल नहीं है कि 6:30-7 बजे वहां पे ओस डलनी शुरू हो जाएगी? क्या ये ओडीआई क्रिकेट का फॉर्मूला करेक्ट है कि यार वही 2:30 बजे ही मैच शुरू करो? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि आपने अगर ओडीआई शुरू करनी है 11:30 बजे मैच शुरू कराओ यार, आपको 11:30 बजे मैच, 12 बजे मैच टू मैच मैच शुरू करके आपको 7, 7:30, 8 बजे तक खत्म करना है। सो ये बड़ी लॉटरी हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली, और ये मुझे लगता नहीं है कि किसी ने अभी तक ये मुद्दा उठा, मुद्दा क्या है ये, द फैक्ट इज इस साल का जो वर्ल्ड कप है अक्टूबर नवंबर इंडिया में, अक्टूबर नवंबर में वनडे क्रिकेट खेलना डे नाइट, बॉस साबुन की टिक्की बन जाती है बॉल। लेकिन वो नहीं होगा ना, अभी आपके ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि 130 करोड़ हमें डिस्काउंट दे दो, थोड़ा कम करो, अब आप वो कहेंगे मेरे प्राइम टाइम तो 7 बजे शुरू होता है, वो तो आप 7 बजे खत्म कर रहे हो, वही कह रहा हूं तो नहीं होगा कि, बट वर्ल्ड कप लॉटरी बन जाएगा, वो हो जाएगा, वर्ल्ड कप के मैचेस विल बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, दिल्ली में भी होगा अक्टूबर नवंबर में, मोहाली में भी होगा अक्टूबर नवंबर, शायद धर्मशाला भी एक मैच ले जाए, शायद लखनऊ एक मैच ले जाए, हैं जी, तो वहां पर तो ओस गिरेगी गिरेगी, जगह तो जम के रहती है, नहीं तो वही कह रहा ना, तो कलकत्ता में बलि चढ़ जाएगा, तो फिर वो तो गलत है ना, जो आपके तो आप पैसे थोड़े कम ले लो, नहीं हो सकता भाई, माजी में जो 5 रुपए की चीज बिकती थी आज 500 की बेच रहे हो, आप 500 के बजाय 300 रुपए ले लो, मतलब ये बातें अच्छी लगती हैं, वैलिड पॉइंट भी है, एंड ऑफ द डे कमर्शियल्स विल रूल, नहीं होगा, बात सही है, और आपने एकदम सही कहा, जो वर्ल्ड कप है, देखिए इससे पहले भी तो वर्ल्ड कप हुए, T20 वर्ल्ड कप है दुबई में, कहते थे ना यार ये तो लॉटरी हो रही है, पर आपने क्या देखा, आपने नहीं कराया दिन में मैच, आपको प्राइम टाइम ही कराना था, आपने कहा कोई बात नहीं भाई टॉस पे मैच जीते जा रहे हैं जीतने दो, हमें प्राइम टाइम पे दिखाना है, सेम चीज यही होगी, नहीं बदलेगा, जाएंगे तो आप प्लीज स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। 2 बल्ले जो आपको दिख रहे हैं, एक है सूर्यकुमार यादव का बैट, एक है कारन पोलार्ड का बैट, वहां पर एक मोइन अली का बैट पड़ा है, एक जॉनी बेस्टो का बैट पड़ा है। अनुज जी अगर आप एक बार ले आए, क्योंकि एक हमने स्पेशल स्टोरी की है इन चारों प्लेयरों के बल्ले के साथ, किसका वेट कितना होता है, T20 में क्या वेट है, वनडे में क्या वेट है, टेस्ट क्रिकेट में क्या वेट है, अच्छा और हर प्लेयर के बल्ले का बैलेंस कैसे, थोड़ा जैसे इसका ये देखिए थिकनेस ज्यादा है, तो हर बल्ले के डायमेंशंस क्या है, बैलेंस कहां पर है, सूर्य कुमार यादव उस तरह का बैट क्यों, पर ये स्टोरी हमने कहां की है, स्पोर्ट्स तक फैन जोन पे, जो एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप क्लब है जिसमें आप 1 रुपया दिन का, उससे भी कम, 29 रुपए महीने के देते हैं। ज्वाइन करने का तरीका आसान है, वहां पे लिखा है ज्वाइन, UPI, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड से अगर आप मेंबर बन जाए, इस तरह की स्टोरीज आपको वहां पर मिलेंगी और मिलती ही रहेंगी, तो आप वहां पर जाकर भी अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। राशिका का भी शो आता है वहां पे, राशिका का आता है, आपका भी शुरू हो रहा है? हाँ वो तो जब आएगा। आपने देख लिया आपने वो इमोजीज देख लिए आपने आज के? नहीं आपने दिखाए नहीं इनको? मैंने दिखाया आपको, वो तो आपने कहा था वो ऐसे ही है, वो तो हट जाएगा। हट जाएगा मतलब वो ठीक नहीं है, वही है वैसे ही, तो बहुत डरावने लग रहे हैं आप। अरे मेरा नहीं, आपने देखा वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन जो मेरा है वहां पे, तो वो भी ऐसे ही है। चलो वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच। आप लोग, मैंने सुना है कि मुझे अभी राशिका बता रही थी कि 1,71,000 लोग ऑलरेडी उस फैन जोन का हिस्सा बन चुके हैं। 1,71,000 लोग लास्ट काउंट ये थी कि मेंबर्स बन चुके हैं फैन जोन के। तरीका भी आसान है, 29 रुपए महीने के देने हैं। हाँ जी, एक बार दे दिया थक। जिस तेजी से वो स्पोर्ट्स तक ऐप डाउनलोड करते जाते थे जब आप बताते थे, उसी तेजी से नहीं, स्पोर्ट्स तक ऐप ज्यादा तेजी से हुई है। मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, आई होप नहीं, उस लेवल तक जा वो हो जाएगा। नहीं उसमें तो अभी कंटेंट उसमें अलहदा मिलता है ना, तो अभी आप कंटेंट भी बढ़ता रहेगा, जैसे एम वो है। चलिए जी, मैच के लिए बस इंतजार कीजिए, 1 बजे लाइव होंगे, आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।